सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह और इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड के क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 6 के क्वेश्चन बैंक का सलूशन। तो यूनिट 5 तक मैंने अपलोड कर दिया है और उसको उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी। तो ये आप जैसे मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होंगी, एक मैथमेटिक्स के लिए और एक फिजिक्स के लिए। तो आपको ये वाली चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए, आपके सामने सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के हो चुके हैं और सिक्स्थ यूनिट आज हो रहा है और आज जहाँ तक मैं सारे यूनिट कर दूंगा 6, 7, 8 और 9 बकाए सारे के सारे आज ही हो जाएंगे। अभी तक वीडियोस थोड़ा लेट हो जाते थे लेकिन आज हो जाएगा, आज संडे भैया, आराम से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। और मैथमेटिक्स की भी आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पार्ट तक हो चुका है। आज कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन दे दूँ ऑब्जेक्टिव का, तो आप देखिए। और यूनिट 6 के क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं वो पूरा आपको PDF दे रहा हूँ जो कि है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इस PDF में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा हैंड रिटन, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस हैं और एक ही वाला क्वेश्चन थोड़ा रजिस्टर हुआ यार, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे मुझे कहीं मिला ही नहीं, एक जगह मिला लेकिन उसका सोल्यूशन मज़ेदार नहीं है। और बाकी तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो उनको पढ़ने, ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक के, और क्वेश्चन बैंक आपको देखना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ सोल्यूशन पूरा। तो सबसे पहले आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन बैंक खुल जाएगा, आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन यूनिट 6 है, यूनिट 7 वगैरह, इसमें चैप्टर 10 आता है, मतलब 9 तो हटा दिया गया, ये वाला है हमारा, ठीक है। तो तरंग प्रकाश में आप रिक्त स्थान देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं भैया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण की घटना, ये होता है हमारा व्यतिकरण, ठीक है। और तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंद के बिंदपथ को तरंगाग्र कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, तरंगाग्र होता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगा, तरंगा कई प्रकार का होता है, उसमें से हमारे एक बिंदु स्रोत के कारण जो होता है वो गोली होता है, फिर गोलाकार तरंगाग्र, ठीक। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को लाल विस्थापन कहते हैं, ठीक, डॉप्लर प्रभाव में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थी ये दोनों, ऐसे ही हमारे अति लघु उत्तरी यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हमारे, और ब्लूप्रिंट वगैरह तो आपके पास होगा ही पूरा। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के ये मैंने बुक से ही पूरा लिख दिया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था व्यतिकरण, तो व्यतिकरण का हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें ये रही भैया, इतनी सारी शर्त लिख दी आपको, 2, 3, 4 में ही काम है, 4 याद रखना। और हाइगेन का तरंग सिद्धांत का महत्वपूर्ण अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर साल आने वाले। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत पूरा कंप्लीट रखो, ये देखो हाइगेन का तरंग सिद्धांत बुक में मिल गया था, फोटो भी लगी साइंटिस्ट महाशय की, क्रिश्चियन हाइगन, कुत्ता भूल दिया मेरा, ये यहाँ पर सारा दिया हुआ है। देखो 6 टॉपिक हैं, ठीक है, 6 टॉपिक आपको कंप्लीट रखना है क्योंकि ये लघु उत्तरी में ही आएगा, 2 नंबर लाइक नहीं है ये। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये देखो अध्यारोपण का सिद्धांत है, मैंने नोट्स में लिखा था पूरा इजी भाषा में, ठीक है। और कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य, ये कला संबद्ध स्रोत बुक में मिल गया था, वहाँ से मैंने यहाँ काट के चपका दिया, ठीक। छठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन मस्त है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविजन के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ देखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान TV सिग्नल को परावर्तित कर देता है, क्योंकि उससे जाते रहता सिग्नल, वो बीच में आ गया, डिस्टर्ब हो गया भाई, सीधे आने वाले सिग्नल और परावर्तित सिग्नल में व्यतिकरण के कारण TV स्क्रीन पर चित्र कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए हैं आप। अब लघु उत्तरी में हम देखते हैं, तो लघु उत्तरी का पहला हमारा न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये अनुपात याद करना था, ये देखो 4:1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, तो ये रहा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पूरा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, समझ लो बस यही आएगा, ठीक। क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये 19 में आया था, मतलब जब मैंने पेपर दिया था, तो आपके में तो आएगा क्योंकि देखो 19 भी विषम, 21 भी विषम आना चाहिए वैसे, ठीक है, और कोरोना तो फैल ही रहा है यार, क्या पता जनरल प्रमोशन हो जाए। चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, ये 3 नंबर के नाम पर कलंक है, यहाँ के प्रयोग में फिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कर, देखो यहाँ से शुरू हुआ है, ये डायग्राम है इसका, ठीक है ना, और ये मानवेंद्र सिंह क्लासेज है, ये पूरा ये यहाँ आके ख़त्म हुआ। टोटल कितने पेज हैं, 1 पेज, 2, 3, 4 पेज का है, ठीक।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 पेज का 3 नंबर के लिए, ठीक। और ये वाला रहा हमारा आखिरी वाली है जो 5th नंबर था, इसका आंसर मैंने बोला थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये मैंने ढूंढ ढांढ के लिख दिया यहाँ पर, आप देख लीजिएगा क्या कैसा है, और कुछ में तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि सूत्र से ही है सब, ये जो सूत्र दिए हुए हैं ठीक है ना, इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है, ठीक। बाकी मिल गए हैं, देख लेना क्या कैसा है। तो अब हम आपको अगला सोल्यूशन दे जा रहे हैं यूनिट 7 का, और आप प्लेलिस्ट जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे के सारे इकट्ठा मिल जाएंगे, ऐसे ही फिजिक्स वाले हो गए, इसमें सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है। सो बस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।